हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा ये देखिए, बेटा इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम अपनी स्वरानंदी की बुक पढ़ेंगे। मीन्स हिंदी की क्लास है ये, और इसमें हम स्वरानंदी की बुक पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी बची हुई एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते हैं। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 12। ई के मात्रा वाले शब्द हम पढ़ रहे थे ना, और हमने फर्स्ट अब एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट कर ली थी, ये वाला अभ्यास। अब हम दूसरा वाला करेंगे। कौन सा करेंगे? अब हम दूसरा वाला करेंगे। क्या है दूसरा वाला एक्सरसाइज? दूसरा है ई की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। क्या करना है? ई की मात्रा लगाकर हमें सही शब्द बनाने हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, ये र व, क्या लिखा है? र व। और इस पे वाप पे देखो, इसमें छोटी ई की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? रवि हो गया। ये एक वर्ड है। अब यहीं पर अगर हम छोटी ई की मात्रा र पर लगा देते तो ये रिब बन जाता। रिब आपने सुना है कभी? नहीं सुना ना। रवि आपने सुना है, तो ये देखिए रवि। वैसे ही ब ल। अब ब पर हम कौन सा वर्ड लगाए, कौन सा कहाँ पर मात्रा लगाएंगे कि ये सही हो जाएगा? ब पे हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बी ल। क्या बन जाएगा? बिल। चलिए लिखते हैं हम, देख रहे हो ना बेटा, ब ब पे छोटी ई की मात्रा लगा दी हमने तो ये बिल बन गया। अब वैसे ही देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द न। अब द पर हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? चलिए देखते हैं, द न, ऐसे ही तो लिखा है ना। अब इस पर हम द पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, ये क्या हो गया? दिन। क्या हो गया? दिन। वैसे ही देखो ये क्या लिखा है, सतार। सतार होता है कुछ, नहीं होता है तो हम स पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, ये क्या हो गया? सितार। क्या हो गया? सितार। अब देखो वैसे ही क सा, ये देखो बेटा उसके बाद है क सा न। क्या लिखा है? कसान। एग्जैक्ट मैंने वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन हमें मात्रा तो लगानी ही है, तो हम क पर छोटी ई की मात्रा जब हम लगा देंगे, ये देखिए ये क्या हो गया? कि सान। वैसे ही लिखा है कवाड़। क्या लिखा है? कवाड़। लेकिन इका पर हम छोटी की मात्रा जब लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कि वाड़। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में देखिए, ला है लफाफा। लफाफा लिखा हुआ है, लफाफा होता है, नहीं होता है ना, लिफाफा होता है, तो हम ला पर छोटी की मात्रा लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? लिफाफा। वैसे ही पकनक होता है कुछ, पक न क, पकनक होता है कुछ, नहीं होता है, तो प पर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, पी क नि क, पिकनिक। पिकनिक होता है ना। वैसे ही देखो कशमश लिखा है, कशमश होता है, नहीं होता है, कशमश नहीं होता, किशमिश होता है, तो किशमिश लिखने के लिए हम क पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर हम म पर भी छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तब जा कर के ये किशमिश बनेगा। क्या बनेगा? किशमिश। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कोष्ठक में सही से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। क्या करना है? कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। यहाँ पर देखो ऐसे दे दिया गया है, इसके बाद आपको यहाँ से सही वर्ड, जो सही शब्द है, उसे यहाँ पर ला कर के हमें फिल करना है। जैसे का है देखिए, शनिवार का दिन डैश आ गया, निकट आ गया कि निकट आ गया, क्या रहेगा? निकट आ गया। क्या आ गया? निकट आ गया। तो यही वाला जिस पे हमने टिक किया है, यही वाला उठा करके हम यहाँ पर लिख लेंगे, निकट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ख डैश रखकर खटिया बिछा। क्या रखकर खटिया बिछाएगा? वो डलिया रखकर खटिया बिछाएगा, या फिर डलिया। डलिया क्या होता है? डलिया होता है, तो हम डलिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डलिया। ये देखिए ड ल, ल पर छोटे ई की मात्रा, या
हमें अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर क्लू दिया हुआ है, हमें वहीं से उठा उठा करके लिखना है, ठीक है। अब ग देखिए, डैश का शिकार मत कर, किसका शिकार मत कर, गिरगिट या फिर गिरगटी। गिरगिट एक जानवर होता है, इतना पता है, गिरगटी क्या होता है, गिरगटी तो कुछ नहीं होता, तो हम गिरगिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिरगिट। ग गपे छोटी की मात्रा र, गपे फिर से छोटी की मात्रा ट, गिरगिट, गिरगिट का शिकार मत कर। अब घ देखिए, चित्र बनाकर डैश बजा, क्या बजाएंगे हम, सितारा या फिर सितार। सितारा बजाया जाता है, नहीं, स्टार को सितारा बोलते हैं ना, तारा सितारा, सितार ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो सितार को ही तो बजाएंगे, चित्र बनाकर सितार बजा, सितार पर हम यहाँ टिक करेंगे और यहाँ पर हम वही चीज़ लिख लेंगे, सितार बजा। उसके बाद लास्ट है देखो, अंगा वाला डैश काम पर निकल गया, काम पर निकल गया। कशिन, कशिन काम पर निकल गया कि किशन काम पर निकल गया, कशिन कोई नाम है, नहीं, किशन, हाँ ये नाम है, तो यही सही हो सकता है, किशन, किशन काम पर निकल गया, तो हम किशन लिखेंगे। क का पे छोटी की मात्रा, शिटी वाला स ना, किशन क्या हो गया, किशन। देख रहे हो ना बेटा, आपको समझ में आया, फर्स्ट में हम निकट फिल करेंगे, सेकंड में डलिया, थर्ड में गिरगिट, फोर्थ में सितार एंड फिफ्थ में किशन। बस आज के लिए बेटा बस इतना ही, आपको ये वाला अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, या तो आप बुक में ही फिल करिएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, कल हम अपने न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। आपने एक नोटिस किया, कल हम सारे बुक्स से न्यू चैप्टर ही पढ़ेंगे। चलिए खूब मस्ती करिए एंड पढ़िए भी साथ साथ। बाय बाय।